नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको 17वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तम से श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्या, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महात्म्य सुन। मंडलिक नाम के देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो वह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि द्रव्य भी गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोगों में हंसी हुई। पहले में द्रव गया, दूसरे में हाथी मरा, तीसरे में लोगों ने हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुँह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे, जिनके यहाँ उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता था कि मैं पिछले जन्म में कौन था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता हुआ, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे पंडित जी, कुछ मांगो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले गया, रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी भी दिया नहीं पिया, रुदन करता रहा। मन में चितवे कोई ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा, इसको क्या हुआ है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको दुख कुछ नहीं है। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, बड़ा खड़ा रुदन करता रहता है। यह सुनकर राजा देखने आया। राजा ने भले वेद और महावत को बुलाया, सबको हाथी दिखवाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख कुछ नहीं है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू बोल कह। तुझे क्या दुख है, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न सो खावे सो बड़ा धर्मात्मा हो जावे। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आप हाथी वापस ले जाओ। राजा ने कहा, मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, यह मेरे चाहे जिए ये मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा, संत जी तुम तू मत कल्प, मेरे घर में गीता की पुस्तक हो, तेरे घर में गीता की पुस्तक हो तो उस मुझे गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा किया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी, आकाश से विमान आए। देव देवी पाकर विमानों पर चढ़ के राजा जी के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति करी। राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। फिर राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी हार गया था, मैं उसी चिंता में मर गया था। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी थी, मेरा छुटकारा कहो कब होगा। तब धर्मराज ने कहा, गीता जी के 17वें अध्याय का महात्मा सुन।
गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होगी, सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई तो मैं बैकुंठ को जाता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हाथी देह देही पाकर बैकुंठ को गया, राजा अपने घर आया। श्री सत्यनारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है और मैंने कहा है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय हो, हर हर महादेव की जय हो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें।